महिला उत्पीड़न की घटनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक एवं जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें महिला उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में निर्मला देवी ने कहा कि पीड़िताओं को विधुक सहायता FIR दर्ज कराने से संबंधित सहायता परामर्श एवं सुलह समझौता द्वारा प्रकरण का निस्तारण कराया जाए। राज्य महिला आयोग में महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को टोल फ्री नंबर पर या उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग तृतीय तल मानव अधिकार भवन गोमती नगर लखनऊ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजकर भी दर्ज कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर भी सीधे अपनी शिकायत को दिया जा सकता है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने वहां पर उपस्थित महिलाओं की शिकायतों को भी सुना और संबंधित अधिकारी को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर नगर मजिस्ट्रेट CMS महिला चिकित्सालय SP क्राइम महिला थाना प्रभारी जिला प्रवर्तन अधिकारी आशा ज्योति केंद्र प्रबंधक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला आयोग की सदस्य निर्मला देवी ने कहा, व्हाट्सएप पे भी उनकी और हमने आपसे कहा था कि इससे पहले हम लोग जब आए थे उसके बाद अंजू जी ने जब यहाँ किया होगा तो वो रिपोर्ट उनके साथ गई होगी जी। तो उसके बाद से आज तक आपके पास कितने केस आए हैं, किस तरह के आए हैं? महिला की आप सदस्य हैं और तमाम महिलाओं की समस्या है, उसको लेकर के आपने आज बैठक किया अधिकारियों के साथ, किन बिंदुओं पर मुख्य चर्चा बनी? देखिए, मुख्य तो ये है कि महिलाओं के उत्पीड़न का होगा अंत और महिला आयोग है उनके संघ। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी पीड़ित बहनें हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो आएं तो उन्हें न्याय मिले और हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसका मौके पर ही निस्तारण हो। और यहाँ पे सारे अधिकारी रहते हैं, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं ताकि उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और हम चाहते हैं कि महिला थाने से ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए अगर वो गोरखपुर के आसपास की हैं तो। हाँ, आज एक मैटर था, एक लड़की के सामान के वापस होने का, काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी वो, काफ़ी परेशान थी, तो उसको 20 तारीख की डेट मिली है। हम सब ने प्रयास किया है, SP क्राइम ने भी, हमारी महिला थाना अध्यक्ष थी शालिनी सिंह जी ने, मैंने खुद ही स्वयं बात की है, तो ये फाइनल हुआ है कि हाँ 20 तारीख को उसको महिला थाने से सामान मिल जाएगा। किस तरह का सामान है? शादी में, मतलब मामला यही था कि उसकी शादी हुई थी, पति ने चोरी से फिर दूसरी शादी कर ली, तो वो बोली कि भाई मैं ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे रहूँगी जिन्होंने मेरे रहते हुए दूसरी शादी कर ली, तो हम इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, लिहाजा हमने जो भी दिया था इनको हमारा सामान वापस किया जाए। तो हमने कहा ये बात तो सच है, उसे सामान तो मिलना ही चाहिए। देखिए, हम हर ज़िले में हम लोग का कार्यक्रम प्रथम बुधवार को और तीसरे बुधवार को लगता है। हम जितनी भी महिला आयोग की सदस्य हैं वो सभी ज़िलों में जाती हैं, जनसुनवाई करती हैं, या तो सर्किट हाउस में या वहाँ कहीं जहाँ भी वहाँ के DM साहब व्यवस्था करते हैं, आयोग की तरफ से उनको लेटर गया हुआ होता है, वो जहाँ पे भी व्यवस्था करते हैं हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जो जनता आई रहती है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, कोशिश करते हैं कि तुरंत निस्तारण कर दें ताकि उनको दोबारा दौड़ना ना पड़े। महिला आयोग में शिकायत कर सकते हैं? हाँ जी, निःशुल्क। हमारे यहाँ लखनऊ में कोर्ट भी बैठती है, कोर्ट में हम सभी सदस्य एक एक दिन बैठते हैं, सबका डे फिक्स है और वहाँ पे लखनऊ में सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल निःशुल्क है, एक पैसा नहीं लगता है और उनके साथ पूरा न्याय होता है। हम अभी पोस्टर बैनर भी हर बस अड्डे पे लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को इस बात की जानकारी हो, वो महिला आयोग आए और हम उनकी समस्या का समाधान कर सकें ताकि वो खुश रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो इस तरह मामलों का क्या त्वरित निस्तारण वहीं पे करती हैं? हाँ, वहाँ पे भी करते हैं और अगर थोड़ा सा लेट होता है तो फिर उसको दोबारा देखते हैं। हम अपने थाने से, अपने जो हमारा 181 ये आशा ज्योति केंद्र है उनसे सबसे सबकी रिपोर्ट मांगते हैं हर महीने कि आप लोगों के पास कितनी सूचना, कितने मैंने शिकायतें आई, महिला थाने से भी लेते हैं कि आपके पास कितनी शिकायतें आईं, आपने किनका निस्तारण किया, क्या बाकी है और क्यों बाकी है, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई। वैसे ऐसा होता नहीं है, हमारी सभी थानाध्यक्ष अच्छी हैं, काफ़ी मेहनती हैं और वो सभी काम करती हैं। मैं चाहूँगी कि लखनऊ हाई कोर्ट के बगल में हमारी महिला आयोग का ऑफिस है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने और बिल्कुल सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, वो आएँ, अगर किसी भी तरह से उनको कोई भी समस्या है तो वो 181 डायल करें
और उस पर वो 181 नंबर की गाड़ी उनके पास आएगी, उनको आशा ज्योति केंद्र हमारा ही हमारे तरफ से ही महिला आयोग की तरफ से ही लगाया गया है और वो उनका मौके पर ही निस्तारण भी करती हैं, उनका साथ भी देती हैं, अगर कोई दिक्कत होती तो मेडिकल भी कराती हैं, उनका FIR भी कराती हैं और हम लोगों को भी जानकारी देती हैं और साथ साथ महिला थानों पर भी मतलब वो सूचना देती हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो 181 डायल करके और अपनी शिकायत वहाँ दर्ज कराएँ।